है विकास का अभिनंदन। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए पूरे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तेज गति से निर्माण पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश इस विकास यात्रा का अहम भागीदार है। वर्ष 2017 के बाद यूपी में डबल इंजन की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सड़क, रेल, मेट्रो, एयर सहित सभी क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दी है, जिसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेस प्रदेश के रूप में बनी नई पहचान। पूर्वांचल की तस्वीर बदलने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, और अब विकास की डबल रफ्तार की इसी कड़ी में जुड़ रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। करीब 14,850 करोड़ रुपए की लागत से 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रिकॉर्ड 28 महीनों में बनकर तैयार है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी द्वारा ही किया गया था। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का राष्ट्र को समर्पण इस पावन धरती के वीर वीरांगनाओं की पीढ़ियों का सम्मान है, जिनकी शौर्य गाथाएं आज भी बच्चों को सुनाई जाती हैं। 2014 से पहले बुंदेलखंड में पानी की कमी के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित था, पर अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना और जल जीवन मिशन के तहत यहां सिंचाई और पीने के पानी की सहज उपलब्धता हो रही है। खेती से जुड़ी संभावनाएं बढ़ी हैं, लोगों का जीवन आसान हुआ है। एक्सप्रेसवे से किसान अब अपने उपज और दुग्ध उत्पादों को बड़े बाजारों तक सरलता से पहुंचा पाएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस पूरे क्षेत्र के जनजीवन में बदलाव लाएगा और यहां के सामान्य जन को बड़े बड़े शहरों जैसी सुविधाओं से जोड़ेगा। अब चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया के लोग भी आधुनिक एक्सप्रेसवे पर चलेंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नए उद्योगों, नए उद्यमों को विकसित करेगा, जिससे रोजगार के हजारों अवसर तैयार होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर को भी गति मिलने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के साथ लिंक होने से स्थानीय एमएसएमई सेक्टर के लिए नए मौके बनेंगे और क्षेत्र के आर्थिक विकास को बल मिलेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर राइट ऑफ वे बनाया गया है, जहां सोलर एनर्जी से ऊर्जा मिलेगी। एक्सप्रेसवे पर प्रवेश व निकासी के लिए इंटरचेंज तथा जरूरी जगहों पर आरओबी, पुल और अंडरपास बनाए गए हैं। साथ ही जन सुविधा केंद्र और स्थानीय लोगों के लिए सर्विस रोड भी बनाए गए हैं। एक्सप्रेसवे के आसपास सघन वृक्षारोपण होगा, इन्वेस्टमेंट पार्क और कारखाने बनेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से पूरे यूपी और पूरे देश की आकांक्षाओं को एक्सप्रेस रफ्तार मिलेगी और ये पावन भूमि नए भारत के सपनों का एक अहम केंद्र बनकर उभरेगी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय, आपने आज बुंदेलखंड की संपन्नता के द्वार खोल दिए। भारत की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की विशेष रूपरेखा को आपने हमेशा सराहा है। अभी हाल में G7 की बैठक में आपने अनेक राष्ट्राध्यक्षों को उत्तर प्रदेश के ODOP के उत्पाद भेंट कर इस तथ्य को पुनः पुनः रेखांकित किया है। उत्तर प्रदेश आपका आभारी है कि आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण समारोह में आप पधारे हैं। अब मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बुंदेलखंड की जहां वेद व्यास की जन्मस्थली और हमारी बाईसा महारानी लक्ष्मीबाई जी की जा धरती पे हमें बैर बैर बीरा आबे को अवसर मिलो, हमें बहुत ही प्रसन्नता। नमस्कार।
उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उपमुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इसी क्षेत्र के वासी श्री भानु प्रताप सिंह जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि और बुंदेलखंड के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, यूपी के लोगों को बुंदेलखंड के सभी बहनों भाइयों को आधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की गौरवशाली परंपरा को समर्पित है, जिस धरती ने अनगिनत सुरवीर पैदा किए, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है, जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेस वे का ये उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते, उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधि के नाते मुझे विशेष खुशी मिल रही है। भाइयों और बहनों, मैं दशकों से उत्तर प्रदेश आता जाता रहा, यूपी के आशीर्वाद से पिछले 8 साल से देश का प्रधान सेवक के रूप में कार्य करने का आप सब ने जिम्मा दिया है, लेकिन मैंने हमेशा देखा था अगर उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण चीजें जोड़ दी जाए, उसकी कमी को अगर पूरा कर दिया जाए, तो उत्तर प्रदेश चुनौतियों को चुनौती देने की बहुत बड़ी ताकत के साथ खड़ा हो जाएगा। पहला मुद्दा था यहां की खराब कानून व्यवस्था। जब मैं पहले की बात कर रहा हूं, क्या हाल था आप जानते हैं, और दूसरी हालत थी हर प्रकार से खराब कनेक्टिविटी। आज उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। आजादी के बाद के 7 दशकों में यूपी में यातायात के आधुनिक साधनों के लिए जितना काम हुआ, उससे ज्यादा काम आज हो रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आंखों के सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब करीब 3-4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कहीं गुना ज्यादा है। ये एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है। इसके दोनों तरफ, इस एक्सप्रेस हाईवे के दोनों तरफ अनेक उद्योग स्थापित होने वाले हैं। यहां भंडारण की सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं बनने वाली है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की वजह से इस क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग लगाने बहुत आसान हो जाएंगे। खेत में पैदा होने वाली उपज को नए बाजारों में पहुंचाना आसान होगा। बुंदेलखंड में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर को भी इससे बहुत मदद मिलेगी। यानी ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के कोने कोने को विकास, स्वरोजगार और नए अवसरों भी जोड़ने वाला है। साथियों, एक समय था जब माना जाता था कि यातायात के आधुनिक साधनों पर पहला अधिकार सिर्फ बड़े बड़े शहरों का ही है, मुंबई हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, बेंगलुरु हो, हैदराबाद हो, दिल्ली हो, सब कुछ उनको ही मिले। लेकिन अब सरकार की बदली है, मिजाज भी बदला है और ये मोदी है, ये योगी है। अब उस पुरानी सोच को छोड़कर, उसे पीछे रखकर हम एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। साल 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी के जो काम शुरू हुए, उनमें बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों को भी उतनी ही प्राथमिकता दी गई है। ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजर रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के साथ ही बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजर रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और आजमगढ़ को जोड़ता है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को जोड़ने का काम करेगा। दिखता है कितनी बड़ी ताकत पैदा हो रही है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। और यही तो
सबका साथ है, सबका विकास है। न कोई पीछे छूटे, सब मिलकर आगे बढ़े। इसी दिशा में डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। यूपी के छोटे छोटे जिले हवाई सेवा से जुड़े, इसके लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। बीते कुछ समय में प्रयागराज, गाजियाबाद में नए एयरपोर्ट टर्मिनल बनाए गए, कुशीनगर में नए एयरपोर्ट के साथ ही नोएडा के जेवर में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। भविष्य में यूपी के कई और शहरों को वहां भी हवाई रूट से जोड़ने की कोशिश हो रही है। ऐसी सुविधाओं से पर्यटन उद्योग को भी बहुत बल मिलता है। और मैं जब आज यहां मंच पर आ रहा था, तो उसके पहले मैं इस बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का प्रेजेंटेशन देख रहा था, एक मॉड्यूल लगाया वो देख रहा था, और मैंने देखा कि इस एक्सप्रेस वे के बगल में जो जो स्थान है वहां पर कई सारे किले हैं। सिर्फ झांसी का ही किला है ऐसा नहीं, कई सारे किले हैं। आप में से जो विदेश की दुनिया जानते होंगे उनको मालूम होगा, यूरोप के कई देश ऐसे हैं जहां पर किले देखने का एक बहुत बड़ा टूरिज्म उद्योग चलता है, और दुनिया के लोग पुराने किले देखने के लिए आते हैं। आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनने के बाद मैं योगी जी की सरकार को कहूंगा कि आप भी इन किलों के देखने के लिए एक शानदार टूरिज्म सर्किट बनाइए, दुनिया भर के टूरिस्ट यहां आए और मेरे बुंदेलखंड की इस ताकत को देखे। इतना ही नहीं, मैं आज योगी जी से आग्रह एक और करूंगा, आप उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए इस बार जब ठंड की सीजन शुरू हो जाए, मौसम ठंडी का शुरू हो जाए, तो किले चढ़ने की स्पर्धा आयोजित कीजिए, और परंपरागत रास्ते से नहीं, कठिन से कठिन रास्ता तय कीजिए, और नौजवान को बुलाइए, कौन जल्दी से जल्दी चढ़ता है, कौन किले पर सवार होता है। आप देखना उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवान इस स्पर्धा में जुड़ने के लिए आ जाएंगे, और उसके कारण बुंदेलखंड में लोग आएंगे, रात को मुकाम करेंगे, कुछ खर्चा करेंगे, रोजी रोटी के लिए बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो जाएगी। साथियों, एक एक्सप्रेस वे कितने प्रकार के कामों को अवसर का जन्म दे देता है। साथियों, डबल इंजन की सरकार में आज यूपी जिस तरह आधुनिक हो रहा है, ये वाकई अभूतपूर्व है। जिस यूपी में, जरा याद रखना दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं याद रखोगे, याद रखोगे, जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे, पक्का याद रखोगे, बार बार लोगों को बताओगे, तो याद रखिए, जिस यूपी में सरयू नहर परियोजना का पूरा होने में 40 साल लगे, जिस यूपी में गोरखपुर फर्टिलाइजर प्लांट 30 साल से बंद पड़ा था, जिस यूपी में अर्जुन डैम परियोजना को पूरा होने में 12 साल लगे, जिस यूपी में
अमेठी राइफल कारखाना सिर्फ एक बोर्ड लगा करके पड़ा हुआ था, जिस यूपी में रायबरेली रेल कोच फैक्ट्री डिब्बे नहीं बनाती थी, सिर्फ डब्बों का रंग रोगान करके काम चला रही थी, उस यूपी में अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतनी गंभीरता से काम हो रहा है कि उसने अच्छे अच्छे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, पूरे देश में अब यूपी की पहचान बदल रही है। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आज यूपी का नाम रोशन हो रहा है, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप पूरा हिंदुस्तान यूपी के प्रति बड़े अच्छे भाव से देख रहा है, आपको आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और साथियों, बात सिर्फ हाईवे या एयरवे की नहीं है, शिक्षा का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र हो, खेती किसानी हो, यूपी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। पहले की सरकार के समय यूपी में हर साल, ये भी याद रखना, रखोगे जरा हाथ ऊपर करके बताओ, रखोगे? पहले की सरकार के समय यूपी में हर साल औसतन 50 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण होता था। कितने किलोमीटर? 50। पहले हमारे आने से पहले रेलवे का दोहरीकरण 50 किलोमीटर। मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों, भविष्य कैसे गढ़ता है देखिए। आज औसतन 200 किलोमीटर का काम हो रहा है, 200 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण। 2014 से पहले यूपी में सिर्फ 11,000 कॉमन सर्विस सेंटर थे। जरा आंकड़ा याद रखिए, कितने? 11,000। आज यूपी में 1,30,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर काम कर रहे हैं। यह आंकड़ा याद रखोगे? एक समय में यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। आंकड़ा याद रहा? कितने मेडिकल कॉलेज, जरा जोर से बताइए, कितने? 12 मेडिकल कॉलेज। आज यूपी में 35 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है और 14 नए मेडिकल कॉलेज पर काम चल रहा है। मतलब कहां 14 और कहां 50? भाई और बहनों, विकास की जिस धारा पर आज देश चल रहा है, उसके मूल में दो प्रमुख पहलू हैं। एक है इरादा और दूसरा है मर्यादा। हम देश के वर्तमान के लिए नई सुविधाएं नहीं गढ़ रहे, बल्कि देश का भविष्य भी गढ़ रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के जरिए हम 21वीं सदी के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में जुटे हैं। और साथियों, विकास के लिए हमारा सेवा भाव ऐसा है कि हम समय की मर्यादा को टूटने नहीं देते। हम समय की मर्यादा का पालन कैसे करते हैं,
इसके अनगिनत उदाहरण हमारे इसी उत्तर प्रदेश में है। काशी में विश्वनाथ धाम के सुंदरीकरण का काम हमारी सरकार ने शुरू किया और हमारी ही सरकार ने इसे पूरा करके दिखाया। गोरखपुर एम्स का शिलान्यास भी हमारी सरकार ने किया और उसका लोकार्पण भी इसी सरकार में हुआ। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी हमारी सरकार ने किया और उसका लोकार्पण भी हमारी सरकार में हुआ। बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी इसी का उदाहरण है। इसका काम अगले साल फरवरी में पूरा होना था, लेकिन ये 7-8 महीने पहले ही सेवा के लिए तैयार है मेरे दोस्तों। और कोरोना की परिस्थितियों के बावजूद कितनी कठिनाइयां हैं हर परिवार जानता है। इन कठिनाइयों के बीच भी हमने इस काम को समय से पहले पूरा किया है। ऐसे ही काम से हर देशवासी को एहसास होता है कि जिस भावना से उसने अपना वोट दिया उसका सही मायने में सम्मान हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है। मैं इसके लिए योगी जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं कोई रोड का उद्घाटन करता हूं, कोई अस्पताल का उद्घाटन करता हूं, कोई कारखाने का उद्घाटन करता हूं, तो मेरे दिल में एक ही भाव होता है कि मैं जिन मतदाताओं ने यह सरकार बनाई है उनको सम्मान देता हूं और देश के सभी मतदाताओं को सुविधा देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया भारत को बहुत आशा से देख रही है। हम अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है। अगले 25 वर्षों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसका रोड मैप बना रहे हैं। और आज जब मैं बुंदेलखंड की धरती पर आया हूं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के इलाके में आया हूं, यहां से इस वीर भूमि से मैं हिंदुस्तान के 6 लाख से भी ज्यादा गांव के लोगों को करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आज जो हम आजादी का पर्व मना रहे हैं इसके लिए सैकड़ों वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी है, बलिदान दिए हैं, यातनाएं झेली है। जब 75 वर्ष है, हमारा दायित्व बनता है अभी से योजना बनाए। आने वाला एक महीना 15 अगस्त तक हर गांव में अनेक कार्यक्रम हो, गांव मिलकर के याद कार्यक्रम करे, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की योजना बनाए, वीरों को याद करे, बलिदानियों को याद करे, स्वतंत्र सेनानियों को याद करे, हर गांव में नया संकल्प लेने का एक वातावरण बने। ये मैं सब देशवासियों को आज इस वीरों की भूमि से प्रार्थना करता हूं। साथियों, आज भारत में ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिसका आधार वर्तमान की आकांक्षा और भारत के बेहतर भविष्य से जुड़ा हुआ न हो। हम कोई भी फैसला ले, कोई भी निर्णय ले, कोई भी नीति बनाए, इसके पीछे सबसे बड़ी सोच यही होनी चाहिए कि इससे
देश का विकास और तेज होगा। हर वो बात जिससे देश को नुकसान होता है, देश का विकास प्रभावित होता है, उससे हमें हमेशा हमेशा दूर रखना है। आजादी के 75 वर्षों बाद भारत को विकास का ये सबसे बेहतरीन मौका मिला है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है। हमें इस कालखंड में देश का ज्यादा से ज्यादा विकास करके उसे नई ऊंचाई पर पहुंचाना है, नया भारत बनाना है। साथियों, नए भारत के सामने एक ऐसी चुनौती भी है जिस पर अगर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के युवाओं का, आज की पीढ़ी का बहुत नुकसान हो सकता है। आपका आज गुमराह हो जाएगा और आपकी आने वाली कल अंधेरे में सिमट जाएगी दोस्तों। इसलिए अभी से जागना जरूरी है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। साथियों, रेवड़ी कल्चर से अलग हम देश में रोड बनाकर, नए रेल रूट बनाकर लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम कर रहे हैं। हम गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर बना रहे हैं, दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी कर रहे हैं, छोटे बड़े अनेक डैम बना रहे हैं, नए नए बिजली के कारखाने लगवा रहे हैं ताकि गरीब का, किसान का जीवन आसान बने और मेरे देश के नौजवानों का आने वाला भविष्य अंधकार में डूब न जाए। साथियों, इस काम में मेहनत पड़ती है, दिन रात खटना पड़ता है, खुद को जनता की सेवा के लिए समर्पित करना होता है। मुझे खुशी है कि देश में जहां भी हमारी डबल इंजन की सरकार है वो विकास के लिए इतनी मेहनत कर रही है। डबल इंजन की सरकार मुफ्त की रेवड़ी बांटने का शॉर्टकट नहीं अपना रही। डबल इंजन की सरकार मेहनत करके राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटी है। और साथियों, आज मैं आपको एक और बात भी कहूंगा। देश का संतुलित विकास छोटे शहरों और गांवों में भी आधुनिक सुविधाओं का पहुंचना, ये काम भी एक प्रकार से सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय का काम है।
जिस पूर्वी भारत के लोगों को, जिस बुंदेलखंड के लोगों को दशकों तक सुविधाओं से वंचित रखा गया, आज जब वहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है तो ये सामाजिक न्याय भी हो रहा है। यूपी के जिन जिलों को पिछड़ा मानकर उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया था, वहां जब विकास हो रहा है तो ये भी एक तरह का सामाजिक न्याय है। गांव गांव को सड़कों से जोड़ने के लिए तेजी से काम करना, घर घर तक रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचाना, गरीब को पक्के घर की सुविधा देना, घर घर में शौचालय बनाना, ये सारे काम भी सामाजिक न्याय को ही मजबूत करने वाले कदम है। बुंदेलखंड के लोगों को भी हमारी सरकार के सामाजिक न्याय भरे कार्यों से बहुत लाभ हो रहा है। भाइयों और बहनों, बुंदेलखंड की एक और चुनौती को कम करने के लिए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए हम जल जीवन मिशन पर काम कर रहे हैं। इस मिशन के तहत बुंदेलखंड के लाखों परिवारों को पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। इसका बहुत बड़ा लाभ हमारी माताओं, हमारी बहनों को हुआ है। उनके जीवन में मुश्किलें कम हुई है। हम बुंदेलखंड में नदियों के पानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। रतौली बांध परियोजना, भावनी बांध परियोजना और मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के लिए हजारों करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। इससे बुंदेलखंड के बहुत बड़े हिस्से का जीवन बदलने वाला है। साथियों, मेरा बुंदेलखंड के साथियों से एक और आग्रह भी है। आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर देश के अमृत सरोवरों के निर्माण का संकल्प लिया है। बुंदेलखंड के हर जिले में भी 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। ये जल सुरक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। मैं आज आप सभी से कहूंगा, इस नेक काम में मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आएं। अमृत सरोवर के लिए गांव गांव कार सेवा का अभियान चलना चाहिए। भाई और बहनों, बुंदेलखंड के विकास में बहुत बड़ी ताकत यहां के कुटीर उद्योगों की भी है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी सरकार द्वारा इस कुटीर परंपरा पर भी बल दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया भारत की इसी कुटीर परंपरा से सशक्त होने वाला है। छोटे प्रयासों से कैसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, इसका एक उदाहरण मैं आज आपको भी और देशवासियों को देना चाहता हूं। साथियों, भारत हर साल करोड़ों रुपए के खिलौने दुनिया के दूसरे देशों से मंगाता रहा है। अब बताइए, छोटे छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे खिलौने ये भी बाहर से लाए जाते थे, जबकि भारत में खिलौने बनाना तो पारिवारिक और पारंपरिक उद्योग रहा, पारिवारिक व्यवसाय रहा है। उसे देखते हुए मैंने
भारत में खिलौना उद्योग को नए सिरे से काम करने का आग्रह किया, लोगों से भी भारतीय खिलौनों को खरीदने की अपील की थी। इतने कम समय में सरकार के स्तर पर जो काम करने जरूरी था वो भी हमने किया। इन सब का नतीजा ये निकला कि आज, और हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा, मेरे देश के लोग सच्ची बात को कैसे दिल से ले लेते हैं इसका ये उदाहरण है। इस सब का नतीजा ये निकला कि आज विदेश से आने वाले खिलौनों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में कम हो गई है। मैं देशवासियों का आभार व्यक्त करता हूं। इतना ही नहीं, भारत से अब बड़ी संख्या में खिलौने विदेश में जाने लगे। इसका लाभ किसे मिला है? खिलौने बनाने वाले हमारे ज्यादातर साथी गरीब परिवार है, दलित परिवार है, पिछड़े परिवार है, आदिवासी परिवार है। हमारी महिलाएं खिलौने बनाने के काम में जुड़ी रहती है। इस उद्योग से हमारे इन सब लोगों को लाभ हुआ है। झांसी, चित्रकूट, बुंदेलखंड में तो खिलौनों की बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। इन्हें भी डबल इंजन की सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।